हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की खट्टर सरकार को दिशाहीन करार देते हुए कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना एक राजनीतिक दुर्घटना है। उन्होंने कहा है कि खट्टर सरकार 100 दिन के कार्यकाल में सभी मोर्चों पर फेल रही है। हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में सरकार बने 105 दिन हो गए हैं और हर वर्ग परेशान है। कानूनन व्यवस्था बिगड़ रही है क्योंकि पुलिस को खाद और बीज बांटने का काम दिया हुआ है। किसान परेशान है, कानून व्यवस्था की जो हालत है आपको सबको मालूम है, क्योंकि पुलिस भी बहुत परेशान है, क्योंकि पुलिस का काम कानून व्यवस्था रखने का है, लेकिन ज़्यादा समय उनका थाने में खाद बंटवाने में और बीज बंटवाने में जाता है, जो कि पुलिस का काम नहीं, खाद बंटाना और पुलिस करना। बिजली की स्थिति आपको मालूम है। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार आती है और दुनिया आगे बढ़ती है, लेकिन हरियाणा सरकार जो है वो बैकवर्ड्स उसमें जा रही है, फॉरवर्ड स्टेप्स की बजाय बैकवर्ड स्टेप्स दे रही है। क्योंकि जैसे आयु सीमा 60 वर्ष से 58 वर्ष करना, पेंशन 1,500 से घटाकर 1,200 करना। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।